हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर पायल की दुनिया में स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। क्या कर रहे हैं आप सब? मैं तो दर्शन वर्शन हो गया मेरा, कल की वीडियो में डाली थी। कल तो वीडियो में नहीं चढ़ा पाई थी, परसों की वीडियो डाली थी मैं, और आज यही वीडियो आज डाल रही हूँ। शाम हो गई है दोस्तों, शाम के 4 बज रहे थे करीब, और हम लोग बुआ जी के घर से अब निकल गए हैं अपने घर जाने के लिए। तो दूसरे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं बाहर, मंदिर के बाहर दूसरे रास्ते से जाएंगे, जो कि रास्ते में झूला पुल है वो पुल से जाएंगे हम लोग। जिस पुल से आए थे वो पुल से नहीं जाएंगे। ये देखिए झूला पुल है, यहाँ पे भी बहुत भीड़ है। इधर से भी श्रद्धालु लोग आते हैं भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने, तो हम लोग ये झूला पुल से जा रहे हैं। ये झूला पुल है, थोड़ा थोड़ा हिलता भी है, डर तो लग रहा था लेकिन बहुत लोग आ जा रहे हैं तो उसमें हिम्मत भी मिल रही थी। तो ये देखो मैं आगे आगे जा रही हूँ, ये देखिए झूला पुल कितना अच्छा दिख रहा, कितना सुंदर दिख रहा है। पूरे रास्ते मेरी सिमो एक बार भी नहीं जागी, एक बार भी नहीं परेशान की, सोते सोते गई और अभी भी सो रही है। ये देखिए हम लोग एकदम मतलब बाहर निकलने ही वाले हैं। थोड़ा वहाँ पे वेट कर रही थी अपने भाई का, क्योंकि वो लोग चप्पल जूता कहीं और निकाल दिए थे, तो वो लोग पहनने गए थे अपना चप्पल जूता लेने। अब हम लोग निकल चुके हैं, बाहर आ गए हैं, वो लोग भी आ गए थे। और ये बाहर का रास्ता, ये देखिए लड़कियाँ हैं, कांवड़ लेके आई थी, और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी। ये देखिए कंगन, चूड़ी और कान में टैटू भी बनाने वाले थे, नली थी और प्रसाद है। और ये सीलिंग है इतनी सारी, ब्लैक सीलिंग, वाइट सीलिंग, पर्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। अब हम तो घूम घुमा के थक गए, तो हम लोग थोड़ा बैठ के नाश्ता कर लिए रास्ते में। और वहाँ पे देखिए इतनी सारी भीड़ है, वो सब औरतें जा रही हैं ढोल बाजा के साथ, इनकी शायद कोई मन्नत थी तो वो लोग जा रही थी परिक्रमा करते करते। हम लोग अभी नाश्ता करके तो सीधा जस्ट घर से निकलेंगे। तो चलिए अब आप लोगों को मैं बाय बाय करती हूँ दोस्तों।